नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस, मैं हूं आपके साथ जो इसमें बढ़ते खबरों की ओर। लोकसभा की सरगर्मियों के बीच खीरी से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने यूपी की सियासी आबोहवा में बारूद घोलने का काम किया है। वायरल हो रहे वीडियो में अजय मिश्र ट्रेनी से जब एक ग्रामीण पानी की समस्या की शिकायत करता है तो मंत्री जी भड़क जाते हैं और ग्रामीण को फटकार कर बैठा देते हैं। ग्रामीण के समस्या निवारण की जगह मंत्री जी कहते हैं, एक झापड़ में सब भूल जाओगे, बैठ भी जमीन पर बैठ। आपको बता दें कि वायरल हो रहा वीडियो 10 अप्रैल को पलिया के बसंतापुर ग्राम सभा क्षेत्र के सेमरी पूर्वा में जन सुनवाई का बताया जा रहा है, जिसमें मंत्री जी पहुंचे थे, जहां पर वो जनता से बातचीत कर रहे थे। और इसी दौरान एक ग्रामीण अपने गाँव की समस्या को लेकर खड़ा हुआ और अजय मिश्र ट्रेनी से बताया कि उसके गाँव में पानी की बहुत समस्या है। ये बात सुनते ही मंत्री जी भड़क गए और निवारण करने के बजाय उसे ही डांटने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये वो जो वीडियो है आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि वो साफ तौर पर ग्रामीण से कह रहे हैं कि बैठ जमीन पर बैठ। उस तरह के जो है एक बार फिर से दबंगई उनकी देखने को मिली, जब ग्रामीण को फटकार लगाते हुए मंत्री जी दिखाई दे रहे हैं और ग्रामीण जो है पानी की समस्या लेकर निवारण के लिए मंत्री जी के पास आते हैं, लेकिन यहाँ मंत्री जी का कुछ और ही रूप ग्रामीण को देखने को मिलता है। हैरत की बात तो ये है कि मंत्री जी ना सिर्फ धमकी दे रहे बल्कि झापड़ मारने की बात भी कह रहे हैं। तो पानी की समस्या जो है इसकी शिकायत करने ग्रामीण पहुंचा और इस दौरान जो है अजय मिश्र का ये जो रूप है वो सामने आया है। साफ तौर पर जो है ग्रामीण को धमकाते और डराते हुए वो दिखाई दे रहे हैं और उससे साफ तौर पर कह रहे हैं, एक झापड़ में सब भूल जाओगे, बैठ और जमीन पर बैठ। वीडियो में अजय मिश्र ट्रेनी को साफ तौर पर आप सुन सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखीमपुर से रामजी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामजी, एक बार फिर से अजय मिश्र ट्रेनी का ये रवैया देखने को मिला है, जब पानी की समस्या निस्तारण के लिए ग्रामीण पहुंचता है वहां वो भड़क उठते हैं। नहीं चलता है, लेकिन जो वीडियो जिस तरीके से एक इलेक्शन के मौसम में, चुनावी मौसम में वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, तो आपको बताते चलते हैं कि पलिया क्षेत्र के बसंतापुर एक गाँव पड़ता है, उस गांव में चौपाल के द्वारा चौपाल में एक पानी की समस्या को लेकर वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो को बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी जी हैं, जो 10 साल से यहाँ सांसद रहे हैं, तो पानी की समस्या की पूछने के दौरान जब उनसे समस्या का हल पूछा जाता है तो थप्पड़ मारने की बात सामने आती है, बैठने की बात सामने आती है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो जो वायरल हुई है, इस वीडियो पे जो एमएलसी शशांक यादव हैं, समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं, उनकी बाइट भी आई है, उन्होंने भी निंदा की है, जो बाइट बाकायदा वो भी वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनावी मौसम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की वीडियो वायरल हुई, तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। जी
जी। और हमारे साथ जो है आर्य उस्मानी जी भी पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़ गए सभा से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साफ तौर पर जो है इसमें मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी का ये बयान जो है सामने आया, जिसमें साफ तौर पर ग्रामीण को वो धमकाते दिखाई दे रहे हैं, इतना ही नहीं वो थप्पड़ मारने की बात कह रहे हैं। उस्मानी जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी हमसे कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल जी सर, साफ तौर पर अजय मिश्र ट्रेनी जो है ग्रामीण को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जमीन पर बैठ जाओ, एक झापड़ में सब भूल जाओगे। अरे देखिए ऐसा है, इसमें चुनावी मौसम चल रहा है जूही जी, अब चुनावी मौसम में मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये सब लोग वोट मांगते घूम रहे हैं, जितने भी लोग खड़े हैं मांग रहे हैं वोट। अब कोई वोट मांगने आपके दरवाजे पे आए और आप वहां से उसके कुछ मांगने लगो तो ये तो गलत बात है। लेकिन सर वो समस्या निस्तारण के लिए गए थे ना? नहीं, समस्या निस्तारण के लिए समय कोई नहीं जा रहा है इस समय, तो सारे मिनिस्टर्स हैं, सारे विधायक सांसद, हम लोग सब लोग वोट मांगने जाते हैं, और हम जब वोट मांगने आपके वहाँ जाएंगे तो आप हमसे मांगने लगोगे कुछ? ये तो वही सब, ये तो एक जो समय मतलब मानवता का ये बात नहीं कह रही कि हम आपके घर आए तो आप बजाय पानी पूछने के आप हमसे कहने लगो कि हमारे नल में पानी निकालो, इसका क्या मतलब है भाई जी? आपको क्या लग रहा है ये कैसी मानसिकता है जो साफ तौर पर वीडियो में देखी जा रही है, जो कि अलग ही रूप जो है रवैया इसमें साफ तौर पर उनका देखा जा रहा है? उन ग्रामीणों की गंदी मानसिकता है जो ग्रामीण इस वक्त मांग रहे हैं। भाई आप 5 साल में नहीं मांगे, 10 साल में नहीं मांगे, हम 10 साल से सांसद हैं और 10 साल से आपको हमको कोई शिकायत नहीं रही, आज हम जब वोट मांगने गए आपके वहाँ। लेकिन सर सबसे बड़ी बात कि नेता तो जनता की सेवा के लिए होता है और नेता आएंगे तभी हम परेशानी बता सकते हैं उनसे। नहीं नहीं ये कोई बात नहीं हुई, ये तो बिल्कुल गलत बात है, हम इससे सहमत नहीं है। मैं ये अलग बात है, मैं विपक्षी दल का हूँ लेकिन मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। मैं भी विधायक मंत्री रहा हूँ, मैं क्षेत्र में जाऊँ तो आप शिकायत करोगे, ये कौन सी बात है? तो फिर शिकायत के लिए सर किसके पास जाए? अधिकारी के पास जाए, वो सुनते नहीं है, नेता के पास जाए? तो अब साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि ये गलत है, ऐसे इस दौरान जो पूछा नहीं जाना चाहिए, कहा नहीं जाना चाहिए? शिकायत के लिए ब्लॉक में जाए, वीडियो से मिले, वीडियो देखेगा, वीडियो नहीं करेगा तो सीक्रेसी देखेगा, वो अपने संबंधित अधिकारी से कहेगा। ये मंत्री और विधायक का काम नहीं है कि वो, तो सर मंत्री और विधायक का काम क्या है आप बता दे जरा? मंत्री और विधायक का काम है पार्लियामेंट और विधानसभा में कानून बनाना, कानून को पास करना, जो गलत कानून है उनको खत्म करना, और अधिकारियों को निर्देश देना किसका काम है? आजकल इसकी गलत डिफिनेशन कर दी गई है कि जो काम है सब मंत्री विधायक करेंगे, थाने में फोन मंत्री जी करेंगे, चौकी में फोन विधायक जी करेंगे, सीओ साहब को फोन सांसद जी करेंगे। तो सर क्या आप मानते हैं कि जो अजय मिश्र ट्रेनी ने कहा है वो सही कर रहा है, सही कहा है? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। वो तो एक बुजुर्ग आदमी है, एजेड आदमी है, और छोटे से बच्चे को अगर डांट दिया तो इसमें कौन सी बात है? अपने बेटे को कौन नहीं डांटता, अपने बच्चे को कौन नहीं डांटता, बताइए आप जी। यानी कि ये साफ तौर पर जो है सपा के नेता आर्य उस्मानी साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोई समस्या लेकर आता है तो थप्पड़ मारना सही है? नहीं, ये उनका इंटेंशन थप्पड़ मारने का नहीं है सर, साफ तौर पर वो कह रहे हैं थप्पड़ मारने की बैठ जाओ, एक थप्पड़ में, एक झापड़ में जो है सब भूल जाओगे, साफ तौर पर वो इस तरीके से बात कर रहे हैं। अगर कोई बेवकूफी की बात, अगर हमारा लड़का बेवकूफी की बात करे, हमारा बच्चा भतीजा भांजा कोई, तो हम उसको डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे? डांटने का राइट है कि नहीं है? जो जिले का प्रथम नागरिक है उसको डांटने का भी राइट आप नहीं दोगे? उस्मानी जी आप जब मंत्री थे, क्या आपके मंत्री रहने के दौरान इस तरह की समस्या आई, तो क्या आपने भी इसी तरह से जो है बातचीत की है? आती ही नहीं थी समस्या, इतने लोग संवेदनशील और पढ़े लिखे होते थे कि जब हम उनके दरवाजे जाते थे तो वो हमारी सेवा और सत्कार में लग जाते थे, वो हमसे पानी नहीं मांगते थे। आप क्या थप्पड़ मारते थे इस दौरान जब आपके पास किसी तरह की समस्या आती थी? जैसे अपने बेटे को अपने बच्चे को कौन नहीं मांग, ये साफ तौर पर धमका रहे ग्रामीण को, क्या आप भी इसी तरीके से धमकी देते थे? धमका नहीं रहे भाई, वो तो बच्चा समझ के उसको समझा रहे हैं, धमका कहाँ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरह से जो है उस्मानी साहब ने जो है इसका पूरी तरह से जो डिफेंड किया, और साफ तौर पर ही कह रहे हैं कि इस तरीके से जो है बात करना कुछ भी गलत नहीं है, इस दौरान जो है समस्या निस्तारण लेके नहीं आना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ उन्होंने कहा है तो उनको समझाया है।
तो ये अजय मिस्टर टेनी के बयान को उन्होंने साफ तौर पर जो है गलत नहीं बताया है। और रामजी भी लगातार हमारे साथ बने। रामजी, आपने सुना किस तरह से जो है उस्मानी साहब ने इसका पूरी तरह से जो है डिफेंड किया। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि इस तरह से जो किया जाता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको बता दें कि जो वोटर होता है एक तरीके से वही डिसाइड करता है कि कौन मंत्री, कौन विधायक, कौन सांसद कहाँ पार्लियामेंट विधानसभा में भेजा जाएगा। लेकिन देखिए सार्वजनिक रूप से जिस तरीके से पूर्व जो मंत्री रहे हैं सपा सरकार में विधायक रहे हैं उनका भी जिस तरीके से बात करना कि 1000 पब्लिक के बीच में अगर कोई आदमी शहर में शामिल नहीं आता है उसकी शिकायत जब यहाँ के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, बाकायदा जो अधिकारी है, जब नहीं ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं जो चौपाल होगा तो उसको कहने का एक मतलब बनता है कि उस शिकायत कहाँ की जाए। अगर शिकायत भी जिस तरीके से जो जो मेन है, जो हुक्मरान है, जो सरकार का मुलाजिम है, अगर वो थप्पड़ मारने की बात करता है तो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है तो वीडियो का भी संज्ञान लिया गया है। यहाँ के जो पूर्व एमएलसी हैं प्रशांत यादव, उन्होंने बाकायदा इसकी निंदा की है, उसकी माइक वायरल हुई है। लेकिन रामजी बात करें तो अजय मिश्र ट्रेनी हमेशा ही कुछ ना कुछ इस तरह के बयान देते हैं जिसके वजह से वो सुर्खियों में आ जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं अगर सुर्खियों की बात की जाए तो जो टिप्पणियां खान हुआ है, टिप्पणी खान में मेन जो उनका बेटा है, जो मोमू है, उनका जमानत पर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुर्खियों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लखीमपुर जिला भी टिप्पणिया खान से जाना जाने लगा बड़े लेवल पर और पूरे इंडिया लेवल पर चीजें जानी गई। तो कहीं ना कहीं किसान अगर धरना हुआ हो, प्रदर्शन हुआ हो, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें सामने आती रही हैं। और अगर मैं सुनी तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपने बोल से, अपनी सारी चीजों से तो कहीं ना कहीं जाने जाते हैं जी। और अब बात करें तो जिस तरीके से चुनावी दौर है इस दौरान जो है इस तरह के बयान सामने आना, अब क्या सियासी हलचल में क्या बदलाव देखा जा सकता है? देखिए अगर वीडियो की बात की जाए तो वीडियो का इंडिया वाइज की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो बकायदा इस पर रन हो रहा है। ट्विटर हैंडल से बकायदा इसको पोस्ट किया, समाजवादी पार्टी इस पर निंदा कर रही, समाजवादी पार्टी के नेता है उसे बकायदा उनकी बाइकें हो रही है, दे रहे हैं। हुई आया है उनका ये कहना है कि ये जो वीडियो एडिट करके बनाया गया है और इस वीडियो में अजय मिश्र ट्रेनी नहीं बैठे हुए हैं, उनका भी एक बयान आया है कि कुछ कुछ जानकारी मिली है कि ऐसा भी बताया जा रहा है। जी राम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव में मैनपुरी संसदीय सीट पर इस बार का घमासान पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सपा के टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और वर्तमान सांसद डिंपल यादव ताल ठोक रही हैं। डिंपल यादव ने आज मैनपुरी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। वहीं इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। तो सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और कलेक्ट्रेट में जो है नॉमिनेशन उन्होंने किया है। उस दौरान जो है अखिलेश यादव भी नामांकन में शामिल हुए। तो मैनपुरी से जो है सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है और कलेक्ट्रेट में उन्होंने अपना नॉमिनेशन कराया जिसमें जो है अखिलेश यादव, शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। और इस दौरान जो है जो उन्होंने अपना लोकसभा चुनाव के लिए जो है लगातार तैयारियां की जा रही थी और अब जो है डिंपल यादव का नामांकन हो गया है। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। ये नौजवान जुझारू काम करना चाहते थे, अपने समाज को जगा करके अपने साथ वोट ला करके लड़ना चाहते थे, लेकिन देखिए आप बीजेपी का फोन आया होगा, बसपा ने टिकट बदल दी। प्रसाद यादव को टिकट, वो बीजेपी के फोन से बसपा ने टिकट बदली। मैंने 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 कार्यक्रम नहीं देखा लेकिन मैंने उस कार्यक्रम की तस्वीरें देखी और तस्वीरें बताती हैं कि मंच तो थोड़ा बहुत थे लोग लेकिन कुर्सियां सब खाली थी। और सुनने में आ रहा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे दूसरे प्रदेश के, वो मैनपुरी का विकास देखने आए थे और वो विकास देखने गए हैं। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि रनवे से लेकर के एक्सप्रेसवे और ये फोर लेन सड़कें जो उन्होंने देखी होगी मैनपुरी की,
अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो हम उनका सहयोग और मदद जरूर करेंगे और सुझाव देंगे जिससे वो भी विकास कर लें। लिया करो आराम मंत्री की जुबान में नहीं समझता, ये घमंड भरी जुबान है और जनता सर्वोपरि है और जनता जवाब देगी इन चीजों। बहुत सारे लोग पहले भी बोले थे, पिछले उपचुनाव में भी बहुत लोगों ने बड़ी जुबानें चलाई थी और इस चुनाव में भी चलाएंगे, लेकिन इन जुबान चलाने वालों को जनता जवाब देगी। एकदम ऐतिहासिक जीतें होंगी, ऐतिहासिक जीत होगी और उत्तर प्रदेश की दम पे दिल्ली की सरकार जाएगी। देखिए ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र जी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार का चुनावी दौरा किया उन्होंने, और इस दौरान गया में एनडीए प्रत्याशी और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी के लिए समर्थन मांगा। वहीं पूर्णिया में जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए वोट मांगे। पूर्णिया में पीएम मोदी ने कहा, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल में संविधान को रद्द करने, संविधान को बंधक बनाने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया था। एनडीए सरकार के लिए वंचित शोषित वर्ग हमारी पहली प्राथमिकता है। जिसको किसी ने नहीं पूछा हम उसको पूज रहे हैं। एक समय था जब केंद्र की सरकारें बिहार को पिछड़ा कहकर पीछा छुड़ा लेती थी। बिहार की सरकारें सीमांचल को पिछड़ा कहकर के पलड़ा झाड़ लेती थी, लेकिन हमने सीमांचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है। हमारी सरकार सीमांचल में वंदे भारत, नमो भारत जैसी ट्रेनों के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी काम करेगी। साथियों, मोदी के लिए आपके सपने ही मोदी का संकल्प है, इसलिए गांव, गरीब, दलित, वंचित दशकों से जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, मोदी ने 10 साल में उनका समाधान दिया है। देश के 25 करोड़ गरीबी से बाहर तब आए जब हमने दिन रात उनके लिए मेहनत की। बिहार का एक संवेदनशील इलाका है, वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पूर्णिया और सीमांचल को अवैध घुसपैठ का ठिकाना बनाकर यहां की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। इसका शिकार हमारे दलित, वंचित, पिछड़े और गरीब को होना पड़ा है। हमारे दलित भाइयों के घरों तक को जलाया गया था, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला हर तत्व सरकार की नजर में है। 4 जून का परिणाम इसी सीमांचल की सुरक्षा तय करेगा। और जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, वो भी एक बात जरूर जान ले, ये मोदी है ये न डरने वाला है और न ही झुकने वाला है।
और वहीं आगरा में पूर्व मंत्री के नाती ने एक युवती और उसके पिता पर कार चढ़ाने की कोशिश की। दरअसल शाहगंज में सोमवार रात को पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान के नाती दिव्यांश ने एक युवती और उसके पिता पर कार चढ़ाने का प्रयास किया। पिता पुत्री का आरोप है कि वह करीब 8 महीने से जो है उन्हें परेशान कर रहा था और मामले को लेकर शाहगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया था। और बढ़ते हैं आगे। बीएसपी ने सुल्तानपुर से उदयराज वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बीएसपी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद से उदयराज वर्मा काफी जोश में हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। उदयराज वर्मा का कहना है कि जनता उनके साथ है और वो जनता के समर्थन से चुनाव लड़ने और जीतने जा रहे हैं। इसके साथ ही बीएसपी प्रत्याशी ने विपक्षी दलों के प्रत्याशियों पर जोरदार हमला भी बोला है। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। माननीय मेनका गांधी जी माता जी जो है हमारे यहाँ से सांसद हैं, माननीय हैं और आदरणीय हैं, चूँकि हमारे ज़िले के सांसद हैं, तो मैं चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। लेकिन ये जान लीजिए कि जो बाहर के प्रत्याशी हैं, चाहे वो माननीय माता जी हों या भीम निषाद जी हों, जैसे भीम निषाद जी को लिया जाए सपा से, तो जो भी उलझुल बुलान बयान दे करके हमारे ज़िले का नाम खराब कर रहे हैं, ये भी एक देखा जाए तो गलत है, ठीक है ना। तो जनता मेरे सहयोग में है और मैं जनता के दम पे ही चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। जनता ही मुझे चुनाव लड़ा रही है सुल्तानपुर से, चुनाव लड़ने का। और बढ़ते आगे, खबर फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर के थरियाव में क्षेत्र में मेला देखने गई एक लड़की से गांव के 3 युवकों ने छेड़छाड़ की विरोध करने पर दबंग युवकों ने लड़की और उसके परिजनों के साथ मारपीट की। वहीं लड़की के साथ अभद्रता और मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पीड़िता के पिता ने दबंगों के खिलाफ थाने में शिकायत भी की। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।